एनकाउंटर की फुटेज यूपी पुलिस का फरमान। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची, स्वागत है आपका स्नूप बॉक्स में। उत्तर प्रदेश का एक और नया कारनामा सामने आया है। हुआ ये कि अलीगढ़ में पुलिस ने दो आरोपियों का एनकाउंटर किया जिन पर हत्या का आरोप था। इन आरोपियों पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पत्रकारों को बुलाया और वीडियोग्राफी करवाई, और उस फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पुलिस वाले आरोपियों पर फायरिंग कर रहे हैं। और खबरों से पता चलता है कि पुलिस ने यह दावा भी किया था कि वे पिछले कुछ दिनों से इन दोनों आरोपी मुस्तकिम और नौशाद की तलाश में थी। इन दोनों आरोपियों पर 6 हत्याओं का आरोप है जिसमें 2 हिंदू पुजारी भी शामिल हैं। अलीगढ़ पुलिस प्रमुख अजय साहनी ने बताया कि यह एनकाउंटर सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया था। हुआ ये कि उस वक्त 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे, और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चला दी। फिर पुलिस ने उनका पीछा किया और वे कहीं दूर जाकर एक प्लॉट में छुप गए। गुंडों और पुलिस वालों के बीच गोलीबारी हुई, और इसी बीच गोली उन दोनों आरोपियों को जाकर लग गई। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और फिर अस्पताल वालों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के CM बनने के बाद मार्च 2017 से अब तक 66 इनकाउंटर में लोग मारे जा चुके हैं, और अब तक 1000 से ज़्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं। क्या अब ये इनकाउंटर का सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा या और आगे बढ़ेगा? इफ़ यू लाइक आर वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।